सुपरस्टार प्रभास और दीपिका पादुकोण स्टारर निर्देशक नाग अश्विन की अपकमिंग साईफाई मूवी प्रोजेक्ट की को लेकर इन दिनों खास बज है। इस फिल्म के टाइटल का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। इस राज से पर्दा फिल्म के निर्माता निर्देशक 20 और 21 जुलाई के दिन अमेरिका के कॉमिकॉन फेस्टिवल में हटाने वाले हैं, जिसे लेकर अभी से फिल्म के दीवानों के बीच काफी बज है। इसके साथ ही ये पहली मूवी होने वाली है जो अमेरिका के कॉमिकॉन फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि इस दिन फिल्म के टाइटल के साथ साथ निर्माता निर्देशक मूवी का ट्रेलर भी जारी कर देंगे। ऐसे में दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। इस बीच फिल्म के टाइटल अनाउंसमेंट से पहले ही एक खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई है। खबर है कि फिल्म का नाम कालचक्र होने वाला है। ये तो साफ है कि फिल्म का नाम के अक्षर से ही होगा। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि मूवी का नाम कालचक्र होगा। हालांकि इससे पहले भी ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं जिसमें दावा किया गया है कि प्रभास और दीपिका पादुकोण की मूवी प्रोजेक्ट के का नाम कल्कि होगा, जो कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार का एक रूप है। हालांकि सही नाम क्या है इसका खुलासा तो खैर 20 और 21 जुलाई के दिन ही होगा। इससे पहले मेकर्स ने इशारा दे दिया है कि इस मूवी को लेकर बड़ी जानकारी फैंस के साथ जल्द ही साझा करने वाले हैं। ये जानकारी क्या होगी अब इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। साउथ सुपरस्टार कमल हसन और अमिताभ बच्चन भी निर्देशक नाग अश्विन की इस मच अवेटेड मेगा पैन इंडिया रिलीज मूवी में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा भी मूवी में दीपिका पादुकोण लीड रोल में है, जबकि दिशा पाटनी भी एक अहम किरदार निभाती हुई नजर आने वाली है। ये मूवी अगले साल 12 जनवरी 2024 के दिन रिलीज होगी। ऐसे में दर्शक इस बात को लेकर हैरान है कि भला मेकर्स इतनी जल्दी ट्रेलर को क्यों रिलीज कर रहे हैं। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।